तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं टेक मिनट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अगस्त मंथ में रिलीज होने वाले हैं। मैं हर एक फोन जो रिलीज होने वाला है इस मंथ में वो मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, कैसा वो दिखने वाला है, कैसा उसका लुक होने वाला है, क्या उसकी प्राइसिंग होने वाली है और क्या डेट को वो रिलीज होने वाला है। तो हम करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं एक एक करके सारे फोन। आज के काउंटडाउन में पहला फोन है गूगल पिक्सल 4a। तो दोस्तों ये फोन यूएस में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है आज ही सुबह 3 अगस्त को और होपफुली शाम तक इंडिया में भी लॉन्च होने की बातें हो रही हैं और मे बी 20 अगस्त के आसपास इसकी फर्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। तो हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 730 जो कि 8 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। जीपीयू की बात करें तो हमें यहाँ पर 618 हमें यहाँ पर इसका जीपीयू देखने को मिलता है और ये है लेटेस्ट बेस्ड ओएस एंड्रॉइड 10 पर। तो दोस्तों साथ ही में बात करते हैं इसके कैमराज की। तो हमें यहाँ पर इसका जो मेन कैमरा देखने को मिलता है वो सिंगल कैमरा हमें देखने को मिलता है जो कि 12.2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर कैमरा देखने को मिलता है। इसी के अलावा मैं बात करूं तो ये हमें यहाँ पर OIS भी इसी के साथ मिलता है और LED फ्लैश भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड के साथ, 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS के साथ। तो यही सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो हमें यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का जिसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p विद 30 FPS। फिंगरप्रिंट हमें इसमें रियर माउंटेड मिलेगा और बैटरी की बात की जाए तो हमें यहाँ पर 3140 mAh बैटरी देखने को हमें यहाँ पर मिलती है जिसके साथ हमें मिलता है पावरफुल 18 वोल्ट का चार्जर। और हाँ दोस्तों इसी के अंदर हमें मिलने वाला है 3.5 mm का जैक जिसमें हम सुनने वाले हैं हमारे मधुर गाने जिसकी मैं फटाफट जैसे ही फोन आएगा तो उसकी मैं अनबॉक्सिंग भी आपको मैं दिखाऊंगा। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके डिस्प्ले की। तो हमें यहाँ पर OLED कैप्टेटिव टच स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि हमें 5.81 इंचेस की देखने को मिलती है जिसमें हमें प्रोटेक्शन मिलने वाली है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। और दोस्तों ये 4G फोन होने वाला है, हमें यहाँ पर 5G देखने को इसमें नहीं मिलता है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारे सेकंड फोन की। तो दोस्तों सेकंड फोन हमारा होने वाला है iPhone 12। तो दोस्तों iPhone 12 Max Pro की एक वीडियो जो कि ऑफिशियल ट्रेलर है जो हमने खुद बनाया है कि कैसा ये फोन होने वाला है तो इसकी एक वीडियो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी। और दोस्तों इसी के बाद बात करते हैं तो iPhone 12 Max Pro का जो मास प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट मंथ से सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और हल्के हल्के रूमर्स आ रहे हैं कि iPhone 12 Max Pro पहले आने की बात चल रही है शायद इस बारी। तो दोस्तों जैसा भी होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या होने वाला है। जो iPhone लवर है वो उसको जो मैंने वीडियो बनाई थी ऊपर लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वो वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि उसके अंदर हमने वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है जिसके रूमर्स आ रहे हैं कि इस फोन में यही चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों हमारा नंबर 3 होने वाला है Xiaomi Redmi K30 जो कि एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से कि हमें इसमें कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है Snapdragon 865 जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। जीपीयू की बात करें तो हमें यहाँ पर 650 हमें जीपीयू देखने को मिलता है जिसके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाले हैं और जो कि इसका चिपसेट बेस्ड है OS Android 10 पर लेटेस्ट MIUI 11 के साथ। यहीं पर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर सुपर AMOLED कैप्टेटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका स्क्रीन का साइज होने वाला है 6.67 इंचेस जिसके साथ हमें मिलने वाली है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो हमें यहाँ पर 500 nits की जो इसकी बहुत ही ज्यादा ब्राइटेस्ट स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों साथ ही में बात कर लेते हैं इसके कैमराज की। तो हमें यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि इसका प्राइमरी कैमरा हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 8K और 4K वीडियो। हाँ तो दोस्तों इसी के अंदर हम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसी वजह से फ्लैगशिप फोन के अंदर माना जाता है जिसका प्रोसेसर इतना बढ़िया दे रखा है, जीपीयू 650 इतना बढ़िया दे रखा है और इसी के साथ इसका कैमरा भी बहुत तगड़ा इसके अंदर दे रखा है। आई होप ये फोन इस मंथ का सबसे बढ़िया फोन होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही में बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरा की। तो हमें यहाँ पर मोटराइज्ड पॉपअप 20 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि पॉपअप है, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों इसी के अंदर 3.5 mm जैक भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इसके कुछ सेंसर्स की। तो हमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो हमें अंडर डिस्प्ले देखने को मिलता है, स्क्रीन के अंदर ही इसका हमें डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। बैटरी की बात करें तो हमें यहाँ पर 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि होने वाली बहुत ही ज्यादा बेहतरीन
स्क्रीन, और साथ ही में इसका जो चार्जर हमें देखने को मिलने वाला है वो 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 0 to 100 कर देगा हमारे फोन को सिर्फ 63 मिनट्स के अंदर, जो कि पावर्ड अप है क्विक चार्ज 4 प्लस टेक्नोलॉजी के साथ। और दोस्तों बात कर ली जाए इसके वेट की, 218 ग्राम इसका हमें यहाँ पर वेट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 5G बैंड्स, जिसमें हमें यूज कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी भी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये फोन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, आप इसका वेट कर सकते हैं, ये इसी मंथ के एंड के आसपास ये रिलीज हो जाएगा। और दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो ये कुछ 32,000 से 35,000 के बीच में ये फोन आने वाला है, होपफुली 33,000 का हमें ये फोन मिल जाएगा। और दोस्तों यही लॉन्च की बात की जाए तो रूमर्स ये है कि 13th of August को ये फोन रिलीज हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों ये फोन थे कंफर्म जो लॉन्च होने वाले हैं इसी मंथ के अंदर, लेकिन कुछ रूमर्स भी इसके साथ फैले हुए हैं, उनकी अगर मैं एक लिस्ट बता दूं कि कौन से फोन इस महीने में हमें देखने को मिलने वाले हैं या देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Redmi 9 Prime की, जो कि 8 से 10,000 बजट फोन ही रिलीज होने वाला है, जो कि 4 अगस्त को ये फोन हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 4 अगस्त कल है, तो हमें ये फोन हमें कल शायद देखने को मिल जाए। और बातें तो ऐसी ही चल रही है दोस्तों नेक्स्ट रूमर की अगर मैं बात करूं तो C15 Realme की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है इसी महीने में, इसकी भी कुछ बातें चल रही है। और दोस्तों ओप्पो की अगर मैं बात करूं तो वो हर फोन लाता ही रहता है, हर 2 महीने 3 महीने के अंदर फटाफट इनके फोन निकलते रहते हैं, किसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया और नया फोन निकाल दिया। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं F17 की, ओप्पो F17, जो कि इस महीने रिलीज होने की कुछ बातें रूमर्स चल रही हैं। तो दोस्तों जैसे भी इनका कुछ बनता है तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगा। Asus ZenFone की हम बात करें तो हमें यहाँ पर 7 और 7 प्रो भी हमें इसी महीने में देखने को मिल सकता है, और जैसे ही कोई फोन मार्केट में आएगा तो उसकी अनबॉक्सिंग इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और नई न्यूज अगर आपको पानी है या फिर अनबॉक्सिंग की मैं वीडियो लाता रहता हूँ उसकी देखना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको मिल जाए फटाफट नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टेक न्यूज के साथ।